सबसे पहले बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां आज दूसरे दिन भी मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है जिससे सड़कों पर पानी भरना शुरू हो गया। एक रोज पहले भी दिल्ली में जोरदार बारिश हुई जिसके बाद कई इलाकों में लंबा जाम लग गया है। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, दिल्ली की तस्वीर जहां पर आज फिर दूसरे दिन बारिश हुई है, गर्मी से लोगों को निजात मिली। हालांकि कल की जो बारिश थी वो सुबह से ही शुरू हो गई थी, आज सुबह धूप निकली थी जिसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है बारिश ना हो, लेकिन मौसम ने करवट बदला और आज झमाझम बारिश हुई है। सदर बाजार और गांधीनगर की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए भारी बारिश की वजह से दिन में ही अंधेरा सा छाया हुआ दिख रहा है। अभी भी लगातार कई इलाकों में बारिश हो रही है जिसकी वजह से गर्मी से लोगों को निजात जरूर मिली है और इसी के साथ साथ मानसून ने दस्तक दी है जो एक राहत लोगों के लिए लेकर आई है जो इस चिलचिलाती धूप में काम करने के लिए मजबूर थे। अब बारिश हो रही है तो उसका आनंद भी लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में मानसून कल से दस्तक दे चुका है और आज फिर हो रही है राहत वाली बारिश। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सदर बाजार में जहां पर पिछले तकरीबन आधे घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तस्वीरें आप देखें कि अचानक से हुई बारिश के लिए लोग तैयार नहीं थे, इसलिए शेड में खड़े हैं, जहां पर उनको छाया मिल रही है वहां पर वो तमाम लोग खड़े हैं। ऊपर में आसमान की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो काले बादल छाए हुए हैं जो साफ तौर पर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बारिश अभी थोड़े समय और रहेगी। दूसरी तरफ देखेंगे आप, काले बादल आपको आसमान में नजर आ रहे हैं। कल के बाद जिस तरीके से गर्मी और उमस एक बार फिर बढ़ी थी, आज सुबह से भी बहुत उमस वाली गर्मी दिल्ली में देखी जा रही थी, ऐसे में ये बारिश राहत की बारिश जरूर साबित हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी दिल्ली के कई इलाकों में इसी तरीके से रिमझिम बारिश हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। दो सहयोगी इस वक्त साथ हुए हैं प्रियंका कांडपाल, जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे वो इस वक्त जुड़ चुके हैं इस वक्त की स्थिति बताने के लिए कि ताजा हालात क्या हैं। वहीं जावेद भी हमारे साथ गांधीनगर से इस वक्त मौजूद है। प्रियंका भी थोड़ी देर में हमारे साथ हो जाएंगी, जावेद का जल्दी से रुख कर लेते हैं। जावेद, आप जिस जगह पर मौजूद है वहां पर हालात क्या है, कितनी देर से बारिश हो रही है और क्या जलभराव की समस्या से भी दो चार होना पड़ रहा है लोगों को? देखिए, गांधीनगर मार्केट में हम मौजूद हैं और अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश लगातार हो रही है और पानी किस तरह से सड़क पर भर गया है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। देखिए, जल भराव किस तरह से है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम पानी में ही खड़े हैं और हमारा घुटने से थोड़ा नीचे तक पानी आ रहा है, तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से इन छोटी सड़कों पर हालात हो गए हैं। आमतौर पर हम दिल्ली की बड़ी सड़कें दिखाते हैं कि वहां पर वाटर लॉगिंग होती है और फिर उसके बाद जाम लग जाता है, लेकिन यहाँ जहाँ बाजार होते हैं वहां पर भी जो छोटी सड़कें हैं, ये एमसीडी की सड़कें हैं, नालों की साफ सफाई किस तरह से हुई है उसकी तस्वीरें हम देख सकते हैं। जो दावे तमाम किए जाते हैं कि मानसून की तैयारी की गई है, आप देखिए दुकानों के लेवल तक पानी पहुंच जा रहा है। तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो ये बाजारों के हाल हैं। बारिश हालांकि आधा घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब बारिश लगातार हो रही है। आज मानसून की बारिश का दूसरा दिन है। सुबह हालांकि धूप निकल रही थी और उसके बाद देखिए किस तरह से यहाँ पर बारिश हो रही है। पानी भर गया पूरी मार्केट में, बिल्कुल भर गया पूरा पानी, और ना कोई निकासी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नालों की साफ सफाई नहीं हुई थी, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उसके बाद ये हाल है यहाँ का। नालों की साफ सफाई नहीं हुई थी पहले, बिल्कुल भी नहीं हुई है, जो ही होती थी पानी ना जमा होता यहाँ पे। देखिए, ये लोग यहाँ पर दुकानदार है कह रहे हैं कि यहाँ पर नालों की अगर साफ सफाई होती तो ये हाल ना होता। तो आप तस्वीरों में देखेंगे जो दुकानदार है या जो यहाँ पर ग्राहक है वो बारिश बंद होने का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार बारिश बंद हो फिर वो यहाँ से निकले, लेकिन जिनको जल्दी है वो अभी भी इस पानी से होकर गुजर रहे हैं। आप जरा तस्वीरों में देख लीजिए किस तरह से लोग यहाँ जो सड़क पर पानी भर रहा है उसी में चलने को मजबूर हैं, और अभी ये पानी निकलने वाला नहीं है क्योंकि जो नालियाँ हैं वो पूरी तरह से पानी से लबालब भर गई हैं और लगातार ये बारिश हो रही है। तो बड़ी सड़कों के अलावा जो छोटी सड़कें हैं उनके हालात भी किस कदर खराब हैं ये देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, आप रही जरा साथ, प्रियंका भी साथ हैं, उनसे भी जरा समझ लेते हैं। प्रियंका, क्या स्थिति इस वक्त? जी, इस वक्त मैं पहाड़गंज के पास मौजूद हूँ, ये मेट्रो स्टेशन के पास की पूरी सड़क है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुख्य सड़क में देखिए किस तरीके से ये पानी भरा हुआ है। यहाँ पर बारिश होते हुए अब एक घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। हालांकि यहाँ पर अभी आकर लोग काम कर गए हैं, नालों को खोलने की प्रक्रिया भी यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन मैं आपको सड़क की तस्वीर दिखा रही हूँ। देखिए, सिर्फ एक लेन जो है वो गाड़ियों के लिए यहाँ पर खुली हुई है, बाकी पूरी सड़क पर आपको पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से जैसे ही लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं तो पूरी पहाड़गंज मार्केट है, उसका पानी है। राइट की तरफ मुड़ते हैं तो लेडी हार्डिंग अस्पताल है,
यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों तरफ, दूसरी तरफ की भी मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि जो वाहन ऑटोज वगैरह खड़े हुए नजर आ रहे हैं उनके नीचे पानी भरा हुआ साफ दिख रहा है। यानी वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो केवल गलियों में ही नहीं है बल्कि चौड़ी सड़कों पर भी देखने को मिल रही है। अथॉरिटीज जो है, एमसीबी की बात की जाए, पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार की बात की जाए, दावे बहुत करते हैं मानसून से पहले की सारी तैयारियां हैं, पर ये पहली बारिश, दूसरे दिन की बारिश है मानसून की। और तस्वीरें देखिए, ये गाड़ी के टायर आपको बता रहे हैं कि पानी का लेवल कितना है, बारिश किस तरीके से, अभी एक घंटे की भी तकरीबन नहीं हुई है लेकिन वाटर लॉगिंग की समस्या। फिर सेंट्रल दिल्ली जैसी जगह पे जहां पर बात करें, जहां से थोड़ा ही आगे बढ़ते हुए लुटियन जोन शुरू हो जाता है, एनडीएमसी जोन शुरू हो जाता है, वहां पर भी वाटर लॉगिंग की ये समस्या बनी हुई है। छोटे छोटे बाजारों में नाले खुल गए हैं, सीवर खुल गए हैं क्योंकि नालों की सफाई वहां पर नहीं हुई है, पानी जमा हो गया है। पूरी दिल्ली की स्थिति यही है। हालांकि मौसम की बात करें तो राहत जरूर मिली है गर्मी और उमस वाली गर्मी से, लेकिन जो लोग घरों से बाहर निकले हैं उनके लिए वाटर लॉगिंग के चलते परेशानी जरूर बढ़ गई है। जी बिल्कुल, जरा दो तस्वीरें दिखा दें किस तरीके की स्थितियां थी, क्योंकि दिन में जब सुबह काफी ज्यादा यहाँ पर धूप निकली थी जिसके बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि हो सकता है आज बारिश ना हो, लेकिन अचानक से मौसम ने करवट बदला और उसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश होनी शुरू हुई। दिन में ही देखिए किस तरीके से अंधेरा वहां पर छा गया, लेकिन जहां एक तरफ गर्मी से थोड़ी राहत लोगों को मिली, वहीं दूसरी तरफ जैम जैसे हालात से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। स्थिति जरा आप देखिए, थोड़ी सी बारिश के बाद दिल्ली में कई जगहों पर जाम लग जाता है जिसकी वजह से लोगों को काफी देर भी होती है, जहां उनको पहुंचना है वक्त पर वो पहुंच नहीं पाते हैं, कई जगह लंबा जाम अभी भी लगा हुआ है, स्थितियां ये हैं। और साथ ही साथ दूसरी समस्या जलभराव की हो जाती है क्योंकि पानी भर जाने की वजह से भी दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ती है। जावेद हमारे साथ मौजूद है। जावेद, कई जगहों पर हम देखते हैं पानी भरने की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। आप गांधीनगर में हैं, वहां पर भी कुछ ऐसी स्थितियां भी थोड़ी देर की बारिश के बाद ही शुरू हो गई हैं। देखिए, लगातार यहाँ इस मार्केट में जल भराव है और उसकी तस्वीरें हम यहाँ अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली की बड़ी मार्केटों में गांधीनगर मार्केट शुमार की जाती है, किस तरह से यहाँ पर पानी भर गया है। देखिए, स्कूटी खड़ी है, उनके टायर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़क पर कितना पानी है। और देखिए, पूरी सड़क आपको अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो आपको इसी तरह से नजर आएगी, पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ है। तो ये जो मार्केट की सड़कें हैं, ऐसे में जब यहाँ इस तरह जलभराव की समस्या होती है तो काम धंधों पर असर इससे पड़ता है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जलभराव हो रहा है। तो ये छोटी सड़कों के हाल हैं दिल्ली में। हालांकि जो बारिश है वो बहुत तेज जबरदस्त बारिश हुई थी और लगातार अभी भी बरस ही रहा है। तो ये तस्वीरें हैं बारिश के, जिस तरह से इंतजार तो हो रहा था लेकिन बारिश में अगर आप तैयारी नहीं करते, अगर एजेंसीज तैयारी नहीं करेंगी तो तस्वीरें कुछ इसी तरह की नजर आती हैं जहां वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिलती है। जी बिल्कुल। और प्रियंका, देखिए ये समस्याएं तो हर जगह देखने को मिल रही हैं दिल्ली में, जहां पर भारी बारिश होती है तो जलभराव की समस्या हो जाती है। क्या ट्रैफिक की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है? जी, जैसे कि अर्पिता हमने पहले भी बताया कि आज बारिश की जो टाइमिंग थी वो पीक आवर्स के बाद की थी, यानी कि बारिश आज थोड़ा लेट शुरू हुई, उसके चलते ट्रैफिक जैसी सिचुएशन बहुत ज्यादा दिल्ली के जगहों पर देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि जो ट्रैफिक के हालात बन भी रहे हैं वो वाटर लॉगिंग की वजह से ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि वाटर लॉगिंग की वजह से सड़कों पर कुछ लेन होती है वो पानी से कवर हो जाती है। तीन लेन की या दो लेन की अगर सड़क है तो एक ही लेन पर ट्रैफिक चल पाता है और उसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम हो जाता है। यहां पर भी, जहां पर अभी हम मौजूद है पचकुया रोड पर, यहां पर भी आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यही हालात यहां पर भी है क्योंकि वाटर लॉगिंग है, इसलिए एक लेन तकरीबन खाली है, बाकी लेन में जो गाड़ियां हैं वो है, उसी की वजह से पीछे तक ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो जाती है रेड लाइट होने के बावजूद। लेकिन क्योंकि आज बारिश लेट हुई तो सुबह के पीक आवर के ट्रैफिक जाम से लोग जरूर बच गए हैं, लेकिन बारिश जिस तरीके से लगातार तेज होती जा रही है, रिमझिम बारिश है हालांकि लेकिन थम नहीं रही है, अब तो एक घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया है, तो शाम को परेशानी जरूर हो सकती है। जो लोग आज दफ्तरों से घर की तरफ निकलेंगे वो जरूर जाम में फंस सकते हैं। फिलहाल अगर हम पंचकुला रोड की बात करें, वाटर लॉगिंग की समस्या तो है ही लेकिन ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति नहीं है। जी अर्पिता बिल्कुल, तो यानी जरा स्थिति देखिए आप, थोड़ी देर की बारिश हो रही है और उसके बाद कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आज दूसरे दिन भी मानसून के बादल जमकर बरसे, कई इलाकों में भारी बारिश हुई जिससे सड़कों पर पानी भरना शुरू हो गया। एक रोज पहले भी दिल्ली में जोरदार बारिश हुई थी जिसके बाद कई इलाकों में लंबा जाम लग गया था।
तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए दिल्ली की, जहां पर बादल आज दूसरे दिन लगातार फिर बरसे हैं कई जगहों पर। अभी कल जो बारिश हुई है उसका पानी ही निकल सही से नहीं पाया है, और ऐसे में बारिश जो अब होनी शुरू हुई है, तकरीबन 1 से 2 घंटे होने को है ये बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या अब और बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सदर बाजार की और गांधीनगर की तस्वीरें, जहां पर भारी बारिश के बाद स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि जैम के हालातों से लोगों को जूझना पड़ रहा है। और छोटी छोटी जो जगह है, जैसे गांधीनगर का इलाका आप देखिए, वहां पर पानी भरना भी शुरू हो गया है, गाड़ियों के पहिए डूबे से अब नजर आने लग गए हैं। यानी कुछ देर की बारिश और स्थितियां दिल्ली में कुछ ऐसी हो जाती हैं, एक तरफ जहां जलभराव की समस्या, वहीं दूसरी तरफ जैम के हालात, ये दोनों लोगों की दिक्कतें बढ़ाते हैं। वो लोग जो मानसून चाह रहे थे कि जल्दी आए, क्योंकि दिल्ली में काफी देर से ये मानसून आया, काफी उम्मीद की जा रही थी कि जल्द मानसून दस्तक देगा, लेकिन दस्तक देते के साथ ही कल और आज ये 2 दिन की बारिश और उसके बाद जलभराव की समस्या शुरू हो गई है। जावेद हमारे साथ मौजूद है। जावेद, हम अलग अलग जगहों की देखिए दिल्ली की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर हालात कुछ ऐसे हैं कि जलभराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। आपके आसपास अगर लोग हो और अगर आप बात कर पाए तो उनसे जरा बात कीजिए, इस तरीके की समस्या तो है लेकिन बारिश का तो आनंद ले रहे होंगे लोग। देखिए, बारिश के आनंद की अगर जहां तक बात करें तो ऐसी जगह पर जहां पर मैं मौजूद हूं, कम से कम यहां तस्वीरें ऐसी नहीं दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं पानी का स्तर, देखिए जरा, मैं जहां पानी में खड़ा हूं मेरे पैर आपको बिल्कुल नजर नहीं आएंगे और उससे काफी ऊपर तक पानी का स्तर यहां पर पहुंच चुका है। और देखिए किस तरह से लोग बाजार में इस पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। यहां दुकानदारों से बात करते हैं, बताइए कुछ जो बारिश हो रही है क्या ऐसे में लोग आनंद ले पा रहे हैं मार्केट में कम से कम, और देख रहे हैं कि ग्राहक तो इसी में निकलने को मजबूर। देखिए सर, बारिश के आनंद तो लोग ले पा रहे हैं गर्मी की वजह से, जो गर्मी से राहत मिली है, बट जो आप ये देख रहे हैं जो इतना पानी भर चुका है, ये MCD को देखना चाहिए, सारा कुछ इनको देखना चाहिए कि इसके लिए कोई कड़े कदम उठाने चाहिए जिससे पानी ना भरे और लोगों को तकलीफ ना हो आने जाने में। दुकानदारों को किस तरह की मुश्किलें फेस करनी पड़ती है ऐसे हालात में जब पानी भर जाए, बारिश बहुत ज्यादा है? दुकानदारों को प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ रही है, पानी भरने से दुकानों के अंदर पानी आ जाता है जिससे बहुत ही गंदगी फैलने, और एक ही आजकल डेंगू मलेरिया का भी डिजीज के फैलने का वो है, तो उससे भी हमें बच के रहना चाहिए। तो यहाँ कोई आया MCD के मानसून से पहले? कोई नहीं सर, कोई MCD का कोई नहीं आया, हमें तो यही दिक्कत है पानी से। ब्रो देखिए यहाँ लोग रेन कवर पहनकर यहाँ चल रहे हैं, किस तरह से आप देख सकते हैं यह हालात, आप देखिए किस तरह से बने हुए हैं। तो लगातार जो जल भराव है वो अभी भी यहाँ पर बना हुआ है, बारिश जो बहुत ज्यादा तेज पड़ रही थी अब उसकी रफ्तार कुछ कम हुई है बारिश, लेकिन अभी भी बनी हुई है। जी ठीक है प्रियंका, वहां पर भी अगर आप लोगों से बात कर पाए तो जरा पूछिए कि किस तरीके की दिक्कतें पेश आती हैं बारिश के बाद। प्रियंका आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जरूर हम देख पा रहे हैं, अभी भी झमाझम बारिश कई इलाकों में दिल्ली में हो रही है, मानसून ने दस्तक दी है। मौसम विभाग का ये कहना है कि कुछ दिन, 1-2 दिन और बारिश हो सकती है दिल्ली NCR में, और इसको लेकर लोग तो बहुत खुश हैं, लेकिन वो लोग जो सड़कों पर निकलते हैं और जाम जैसे हालात से जूझते हैं, दिक्कत उनको होती है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल का पानी 2024 तक मिलेगा। जल जीवन मिशन के तहत एक और कामयाबी मिली है, अब 50,000 ग्राम पंचायत और 1,00,000 गांवों में हर घर तक नल का पानी पहुंचा है। तो 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया कि हर घर में नल हो। जल जीवन मिशन में एक और कामयाबी हाथ लगी है, और इसके तहत 50,000 ग्राम पंचायत और 1,00,000 गांवों में हर घर तक नल का पानी पहुंचा है, और इसी दिशा में सरकार आगे बढ़ भी रही है। 2024 तक हर घर में नल से जल मिले, ये लक्ष्य रखा गया था, इस पर एक और कामयाबी, 50,000 गांव पंचायत में नल से पानी पहुंचा है। गोवा, तेलंगाना, पुदुचेरी में 100% बताया जा रहा है ये रेशियो पहुंच चुका है, यानी हर घर जो वहां पर है वहां पानी पहुंच चुका है। तो 50,000 ग्राम पंचायत जो है वहां पर नल से पानी पहुंचना शुरू हो गया है। एक गांव जो पानी से अभी तक महरूम था, कोशिश है कि हर गांव में पानी की सुविधा पहुंचे।
अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, यानी एक जिस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा था कि हर गांव को जल मिले, हर घर को जल मिले, उसी के लक्ष्य को पढ़ते हुए आगे एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बिल्कुल, बहुत तेजी से यह काम बढ़ रहा है, जल जीवन मिशन एक मंत्रालय के द्वारा। और प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में लाल किले की प्राचीर को से 15 अगस्त को इसका ऐलान किया था कि 2024 तक भारत के हर घर में, हर हाउस होल्ड में, हर परिवार के लिए एक नल का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उस दिशा में पिछले 2.5 सालों में ये जो काम हुआ है ये काफी अद्भुत है। और मेरे ख्याल से अगर 50,000 पंचायतों के हर घर में अगर नल का पानी पहुंच चुका है और 1,00,000 से ज्यादा गांव ऐसे जुड़ चुके हैं नल से, तो मुझे लगता है ये, और वो भी साफ पानी से तमाम मापदंडों के बाद, तो ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की जल जीवन मिशन की। शुक्रिया।